विदेश जाने वाले युवाओं के साथ फ्रॉड की लगातार वारदात बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विदेश जाने के नाम पर ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन में ठगी के शिकार लोगों की बहुत ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं, जो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर रफूचक्कर हो जाते हैं और जिस पर प्रशासन किस प्रकार नकेल कस रही है, उस मामले को लेकर एक खास रिपोर्ट सामने आई है। जलंधर ट्रैवल एजेंटों का एक बहुत ही बड़ा हब है। बहुत सी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सही ढंग से लोगों को विदेश भेजने का काम करती हैं, पर कुछ ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंट भी हैं जो केवल दफ्तर खोलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर बाद में अपने रास्ते निकल जाते हैं और लोग पीछे से हाथ मलते रह जाते हैं और बाद में उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। जलंधर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने कहा है कि विदेश जाने के नाम पर ठगी की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले ही कमिश्नरेट पुलिस जलंधर ने 522 पासपोर्ट जब ट्रैवल एजेंट से जब्त किए, तो कई ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है और लगातार टीमें बनाकर इन पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों से अपील की है कि जो लोग ट्रैवल एजेंटों को पैसे देते हैं वो पहले उनकी जांच पड़ताल कर लें ताकि वो ठगी का शिकार होने से बच जाएं। और अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस अपना काम करके उन्हें इंसाफ तो दिलाती है, पर कभी कभी जो रकम उन्होंने दी हुई होती है उसे मिलने में देर लग जाती है। इसलिए लोगों से अपील है कि वो विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर पहले ट्रैवल एजेंट की सही तरीके से जांच कर लें। काफ़ी लोगों दी कंप्लेंट्स सानू पिछले कुछ समय तो प्राप्त हो रही हैं और असी काफ़ी परचे भी रजिस्टर किए हैं। पिछे असी 526 पासपोर्ट रिकवर किए थे और उस मामले के भी असी गहराई नाल तफ्तीश की है। बहुत सारे लोगों के ग्रीवियंसिस उस दौरान भी रिड्रेस हुए हैं। हुण भी असी इन ए बिग वे केस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की हुई है और जिते कितने भी कोई बंदा गलती पाया जाता है उत्ते केस रजिस्टर किया जाता है। इन्हों की चैकिंग भी होंगी है, इन्हों लाइसेंसिस की चैकिंग भी होंगी है, जिन्हें लाइसेंस एक्सपायर हो उन्होंने भी कार्रवाई की जाती है। ये भी लगातार साइमल्टेनियसली प्रोसैस चलता रहता है। मैं लोगों ये जरूर अपील करनी चाहाँगा कि जेडे इन्हों के ओवरसीज ड्रीम्स है उन्होंने फुलफिल करने वास्ते जो विधि विधान है उस मुताबक ही अगे वध्या जाए, क्योंकि कई बार एक पैशन दे पिछे लग के लोग इन्हों चांसे आके ठगी का शिकार हो जाते हैं और बाद रिड्रेस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई करने वास्ते वचनबद्ध तो है, लेकिन इन द मीनवाइल जेड़ा ट्रॉमा जेड़ा फाइनैशियल लॉस होंदा है उस वास्ते लोगों को बहुत सफर करना पैंदा है। सो मैं तो जनरल यही कहूँगा कि बहुत सावधानी नाल जो लीगल प्रोसेस हैगे ने उन्होंने फुलफिल करके जो अपनी अगे बाहर जाण दे सुपने लोगों के मन च संजोए है उन्होंने पूरे करने की कोशिश की जाए। इन्हां दे इलीगल अशोरेंसिस ते ना जाके कोई इदां दी गल ना की जाए जिहदे नाल पैसे फस जाण और बाद च मुश्किल का सामना करना पवे। हुण कोई गिनती क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे है जिहड़े इन्हां दी ठगी का शिकार होंदे आ और बहुत सारे लोग पंजाब के वख-वख हिस्सों चों भी आउंदे आ जिहड़े आ के इत्थे कंप्लेंट्स दे के जांदे आ। दूसरी स्टेट दे ते कोई नहीं खास सिग्निफिकेंट नंबर चाहे, लेकिन पंजाब के दूजे हिस्सों चों लोग इत्थे आए आ और जिन्होंने ट्रैवल एजेंट्स नूं पैसे दिते आ और उन्होंने ठगी का शिकार हो। जलंधर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, SMZ News, इंडिया।